हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आई होप कि आपको ट्रिप कुकू की स्टोरी में मज़ा आ रहा है। तो चलिए इसका नया पार्ट शुरू करते हैं। और जिस किसी को भी ट्रिप कुकू की स्टोरी का पता नहीं तो वो शुरू से इस स्टोरी को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब वन अबव ऑल गोकू को प्लैनेट किलेंटार के पास फेंक देता है, तब गोकू को वो डार्क प्लैनेट दिखाई देता है। गोकू कहता है, ये प्लैनेट कुछ अजीब सा लग रहा है और इसमें से मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। तब गोकू उस प्लैनेट के पास जाता है और बोलता है, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वो प्लैनेट गोकू को अपने अंदर खींचने लगता है। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है, ये मुझे खींच क्यों रहा है। तभी गोकू एकदम से उस प्लैनेट में चला जाता है। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है। विश ब्रोली से बोलता है, ब्रोली कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग। ब्रोली बोलता है, मैंने हाकाई एनर्जी को अपनी एनर्जी में मिला लिया, अब मैं जो भी अटैक यूज करूंगा उसमें हाकाई की पावर होगी। विश बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, अब तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेज ही देता हूँ। ब्रोली पूछता है, मिशन कैसा मिशन। विश कहता है, ज्यादा खास नहीं है, तुम्हें किसी से फाइट करनी होगी और उसे हराना होगा। ब्रोली बोलता है, विश तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, प्लीज बताओ मुझे। विश कहता है, ब्रोली तुम सही हो, मुझे तुम्हें बता ही देना चाहिए। विश कहता है, हमारा मल्टीवर्स एक बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका है। ब्रोली पूछता है, कैसा खतरा। विश कहता है, हम सब एंजल्स की मदर अब वापस आ चुकी है और वो एक ईविल है, उन्होंने हमें चैलेंज किया है। हमारे और उनके एक एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर के बीच फाइट होगी और उन्हें यहाँ से वापस भेजना है, तो तुम्हें उनके डिस्ट्रॉयर को हराना होगा। तब ब्रोली कहता है, क्या मुझे हराना होगा। विश कहता है, हाँ ब्रोली, हम सब ने तुम्हें चुना है क्योंकि इस वक्त तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास हाकाई के साथ साथ अपनी खुद की नेचुरल पावर भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होगा। ब्रोली बोलता है, उनकी तरफ से कौन लड़ने वाला है। विच कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, बट मुझे विश्वास है कि तुम उसे हरा दोगे। तब ब्रोली कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। विच कहता है, ब्रोली ध्यान रखना, इस फाइट में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ब्रोली कहता है, मौत का डर तो मुझे बचपन से नहीं है, तुम चिंता मत करो विश। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू उस डार्क प्लैनेट के अंदर आ चुका है। वो वहाँ थोड़ा चलता है और देखता है कि उस प्लैनेट में सब कुछ खाली है, मानो वहाँ बिलियंस ईयर्स से कोई ना आया हो, बट उसे लाइफ एनर्जी भी सेंस होती है। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी वहाँ से एक ईविल आवाज आती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाने दो। गोकू को वो आवाज़ बहुत चिड़चिड़ी लगती है। गोकू कहता है, ये किसकी आवाज़ है, इसका मतलब ये प्लैनेट खाली नहीं है। तभी गोकू उस आवाज़ की तरफ चल देता है। तभी वहाँ से वो ईविल आवाज़ फिर से आती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ हंसने की होती है। अब गोकू तेजी से उस आवाज़ की ओर जाता है और गोकू कहता है, ये शायद कोई पागल होगा। तभी गोकू चलते चलते रुक जाता है और गोकू का सीरियस फेस अब शॉक्ड में बदल जाता है। गोकू कहता है, ये क्या बवाल है। तभी वहाँ गोकू को नल दिखाई देता है जो अपनी तलवार के साथ है और उसके हाथ में खोपड़ी है और वो बहुत ही गंदा और खतरनाक भी दिखता है। नल वहाँ पर हंस रहा होता है। गोकू वहाँ पर आता है और पूछता है, हे डेविल, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, तो क्या तुम यहाँ से निकलने का रास्ता बताओगे। नल गोकू को देख काफी सीरियस फेस बनाता है और वो अपनी कुर्सी से उड़ता है और अपनी खतरनाक तलवार लेकर गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू उसे आता देख कहता है, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और तुम दूर रहो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। नल गोकू से कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए। गोकू बोलता है, वो मुझे किसी ने यहाँ फेंक दिया, फिर इस प्लैनेट ने मुझे यहाँ पर खींच लिया। नल कहता है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं खुद यहाँ पर लाखों सालों से फंसा हुआ हूँ। गोकू पूछता है, लाखों साल, बट कैसे। नल बताता है, ये कोई प्लैनेट नहीं है बल्कि ये एक जेल है जो कि मेरे ही सिम्बॉइड से बना है और अब तुम भी यहाँ रहोगे। गोकू कहता है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। नल गोकू को बातों में फंसाता है और कहता है,
वैसे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो। तो दोस्तों, अब नल गोकू से क्या करवाने वाला है और ब्रोली और अकुमो में कौन जीतेगा, ये आपको कल पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी सब्सक्राइब करके रखना ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।